मां की कहानी में आपको देखने को मिलने वाला है कि कैसे वनराज को होगा अफसोस जब वनराज को ये पता चलेगा कि अनुपमा की हालत है गंभीर। अनुपमा है हॉस्पिटल में। दरअसल वनराज को कॉल आएगा स्कूल वालों की ओर से और पता चलेगा कि स्कूल में आग लग गई है और उसी स्कूल में पाखी और अनुपमा है। ये बात जानने के बाद दौड़ा भागा समर पहुंचेगा स्कूल और वहीं वनराज पहुंचेगा जिसकी भनक काव्या को नहीं लगेगी। और वहीं वनराज का दिल रोने वाला है जहां वनराज अनुपमा के लिए अपना कंसर्न दिखाने वाला है। ऐसे में वनराज का ये रूप देखकर क्या करेगी काव्या, क्योंकि काव्या को लगता है कि वनराज उससे प्यार करता है पर सच बताऊं तो वनराज को भी नहीं पता है कि वो किससे प्यार करता है। वो गुस्से में अनुपमा को ना जाने क्या क्या कह जाता है पर असल ज़िंदगी में अनुपमा और वनराज दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं जिसका सच आपको आने वाले दिनों में इन दोनों की आंखों में देखने को मिल सकता है। अब आगे जो कुछ भी होगा इसकी तमाम डिटेल्स आप तक पहुंचा देंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट के ज़रिए।